और वही भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज मेट्रो के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया। दूसरे चरण में भोपाल मेट्रो के 6 स्टेशन होंगे। बता दें कि इस परियोजना पर कुल 1,540 करोड़ की लागत आएगी, जिसके तहत पुल बोगदा से करोन तक 4 किलोमीटर से ज्यादा एलिवेटेड मेट्रो लाइन का निर्माण होगा, जिसमें कुल 6 स्टेशन होंगे, जिनकी लागत लगभग 650 करोड़ होने का अनुमान है। इसके साथ ही नादरा बस स्टैंड से भोपाल रेलवे स्टेशन तक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बनेगी। वहीं इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो परियोजना और प्रदेश के विकास को लेकर मोहन सरकार की प्रतिबद्धता बताई। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि भोपाल मेट्रो के दूसरे चरण में किस किस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। करोन चौराहा स्टेशन, कृषि उपज मंडी स्टेशन, डीआईजी बंगला स्टेशन, सिंधी कॉलोनी स्टेशन के साथ नादरा बस स्टैंड स्टेशन होगा। वहीं भोपाल जंक्शन, ऐशबाग चौराहा स्टेशन और बोगदा पुल स्टेशन शामिल हैं। तो ये अलग अलग स्टेशन के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कृषि उपज मंडी स्टेशन होगा। इसी के साथ भोपाल मेट्रो के दूसरे चरण का ये जो निर्माण हुआ है, उसमें अलग अलग स्टेशन, डीआईजी बंगला स्टेशन, सिंधी कॉलोनी, नादरा बस स्टैंड होगा, भोपाल जंक्शन, ऐशबाग स्टेशन होगा, इसी के साथ पुल बोगदा स्टेशन इसमें शामिल है। वहीं अब आपको बता देते हैं कि भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए भूमि पूजन किया, जिसकी कुल लागत लगभग 1,540 करोड़ आएगी। दूसरे चरण में बोगदा पुल से करोन स्टेशन तक चलेगी मेट्रो, जिसमें 6 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। नादरा बस स्टैंड से भोपाल जंक्शन तक 2 स्टेशन अंडरग्राउंड भी बनाए जाएंगे। तो भोपाल को आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सौगात दी है, और बड़ी सौगात भोपाल वासियों को। अलग अलग जगह कौन कौन से मेट्रो स्टेशन होंगे, इस बात की जानकारी भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से साझा की। इसी के साथ दूसरे चरण का आज भूमि पूजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो प्रोजेक्ट के किया। 1,540 करोड़ कुल लागत इस मेट्रो प्रोजेक्ट की आएगी।